साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई मस्कत से ओमान से रिलेटेड। बहुत सारी इंक्वायरी जा रही थी और शेड्यूल भी लोगों को शायद नहीं मिल पा रहा होगा, भाई एम्बेसी की तरफ से कोई रिपोर्ट या इंक्वायरी नहीं आई थी। तो मेरे पास साथियों मैं बता दूं, इंडियन एम्बेसी जो ओमान में है उनकी जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वंदे भारत 3 में नहीं है, ये वंदे भारत 2+2 में ही है। उसकी मेरे पास जो लिस्ट है ओमान से मस्कत से इंडिया जो फ्लाइटों का शेड्यूल है बता दूं आपको, जून से लेके 9 जून से लेके 23 जून तक साथियों 14 फ्लाइटों का शेड्यूल है ओमान मस्कत से इंडिया के लिए। तो मात्र और मात्र मैं आपको 3 मिनट में पूरा वीडियो बता फ्लाइटों का शेड्यूल बता दूंगा, स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। 9 जून को सबसे पहले फ्लाइट है मस्कत, ओमान मस्कत से जो फ्लाइट है साथियों विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के लिए फ्लाइट है भाई। सेकंड नंबर साथियों 10 जून को है मस्कत से है फ्लाइट दोबारा ओमान से कोचिकोड़े केरला के लिए। फिर साथियों फिर है 10 जून को सलाला से, ओमान सलाला से फ्लाइट है कोची केरला के लिए। जी हाँ साथियों, फिर साथियों एक फ्लाइट है बता दूं 11 जून को मस्कत से दिल्ली के लिए। अब दिल्ली वाली फ़्लाइट भाई देख लीजिए, अब ये दिल्ली मेरे हिसाब से राजस्थान पंजाब हरियाणा ये इनके लिए हो सकती है, मुझे जहाँ तक आइडिया है। 12 जून को साथियों त्रिवेंद्रम केरला के लिए फ़्लाइट है मस्कत से। जी हाँ साथियों, 13 जून को साथियों फिर कोयम्बटूर है तमिलनाडु के लिए फ़्लाइट है 13 जून को। 14 जून को साथियों मस्कत से कन्नूर केरला के लिए फ़्लाइट है। 15 जून को साथियों लखनऊ यूपी के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, लखनऊ के लिए फ़्लाइट रहेगी। 16 जून को साथियों मस्कत से बॉम्बे महाराष्ट्र के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, और आगे बताएं 17 जून को साथियों मस्कत से बेंगलुरु मंगलुरु और कर्नाटका, तीन ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, बेंगलुरु और मंगलुरु दोनों जगह शामिल है इसमें, कर्नाटका के लिए फ़्लाइट है। 18 जून को मस्कत से साथियों त्रिवेंद्रम केरला के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, 19 जून को फिर एक साथियों मस्कत कोची से फ़्लाइट है केरला के लिए मस्कत से। 21 जून को साथियों फिर एक मस्कत से फ़्लाइट है कोची केरला के लिए। 23 जून को फिर एक साथियों फ़्लाइट है कोचिकोड़े केरला के लिए। तो भाई ये बता दिया मैंने 19 जून से 23 जून तक 14 फ्लाइटों का शेड्यूल है। ये मान लीजिए ये केरला कोची है, ये ज़बरदस्ती एक यूपी की उन्होंने दे दी और एक दिल्ली की दे दी, गलती से ये 2 फ्लाइटें आपको मिल गई, बाकी गवर्नमेंट को देना नहीं चाहिए था। अगर 14 की 14 उधर दे देते तो और भी ठीक होता, ताकि आपको ये लगता हमारी नहीं है और उनको ये लगता 100% हमारी फिल्म हमारी हो गई, को ये केरला कोची उधर की है भैया टोटल की टोटल फ्लाइट। अब गवर्नमेंट का यार ये सिस्टम समझ में नहीं आया कि 14 फ्लाइटों में से 4 फ्लाइट तो कम से कम इधर देनी चाहिए थी, हमारे लोग भी तो इधर के भी तो लोग हैं ना, ठीक है उधर के भी हैं, अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि उधर क्यों दे रहे इधर क्यों दे रहे, लेकिन इधर के लोगों को भी प्रॉब्लम है। आप ये गवर्नमेंट क्यों नहीं समझना चाहती मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मात्र 2 फ्लाइट 14 में से, और ये 23 तारीख तक, इसका मतलब 23 तक अब ओमान की कोई फ्लाइट नहीं है, और 23 के मैं ये मान सकता हूँ कि इस महीने में भी मुझे नहीं लगता 14 की और फ्लाइट ज़्यादा होंगी। तो भाई ये गवर्नमेंट की मैं मानता हूँ नाइंसाफी है, क्या राज है या केरला सरकार क्या करके फ़्लाइट ले रही है आई डोंट नो, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस आज की वीडियो ये थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, अच्छा नहीं लगे तो भाई नहीं लग सकता, क्या कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।